রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে আরজিগড় কাণ্ডে প্রতিবাদে এই মুহূর্তে মিছিল করছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। আর আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। Of the West Bengal State Medical Council and the West Bengal Health Recruitment Board, along with removal of everyone who's in charge of West Bengal Dental, Nursing and Pharmacy Councils, and we demand the issuance of a notice of holding fresh elections under an appropriate and suitably chosen election commissioner who will oversee all the elections and will give the report to some suitable body which will supervise the entire process. Meera Safeed तुरंत खुले भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद। जी मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तारा हूँ प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम से। सबसे पहले मैं एक चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो आरजी कर में हुआ उस रात को उस चीज़ को लेके दो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं। पहली बात कि वो एक सिंपल रेप और मर्डर केस था जो एकदम गलत है, और दूसरी कि ये बस डॉक्टर्स की सेफ्टी का मामला है, ये भी गलत है पॉइंट। ये सिंपल और रेप और मर्डर केस नहीं था, ये बात है सिस्टमिक करप्शन की जिसके चलते ऐसी स्थिति वहाँ पे पैदा हुई। इतने खच्चर हालत में हमारे अस्पतालों और उनकी सिक्योरिटी रही कि जिस वजह से क्राइम हो पाया, और उसी करप्शन के चलते जो इस क्राइम का कवर अप किया गया। स्टेट मशीनरी के हर लेवल पे एक इकोसिस्टम रहा है ऑफिशियल्स का, जिनको पैट्रोनेज मिली है लोकल पावर से, जिसके चलते इसका कवर अप हो पाया। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम जो अभी बनाया गया है, ये पहली शुरुआत है जहां पे ये ऑर्गेनिकली उठ के आए हैं इस एट्रोसिटी के बाद। हम उनके साथ खड़े हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा। एक इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। Now we can throw questions on us. असली डिमांड्स हमारे जो है सभी असली डिमांड्स है, कोई नौकरी डिमांड तो हमारा नहीं है। पहले चीज यही है, दूसरी चीज यही है कि हमारा जो डिमांड्स है पहले सीबीआई से, पहले जो डिमांड है वो सीबीआई से है कि ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारे है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, क्योंकि ये सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी, उसका जो जिन जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, इसका डायरेक्ट कनाइवेंस है इस घटना से, कवर अप से, एविडेंस टैम्परिंग से, सो इसको भी रिमूव करना है और पनिशमेंट देना पड़ेगा।